यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवैध संबंधों के चक्कर में पति ने क्रूरता दिखाई है। पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की गर्दन काट दी है। गर्दन काटने के बाद थाने पहुंचा है एक शख्स अपनी पत्नी को, और वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये देखिए, अपनी पत्नी की गर्दन काटने के बाद अवैध संबंधों के चक्कर में ये व्यक्ति पहुंचा है थाने। अभय निगम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभय, पूरी बात क्या है? जी आपको बता दें, ये मामला अभी थोड़ी देर पहले का ही है। ये शख्स जो गर्दन लेके थाने पहुंचा है, इसकी पत्नी की किसी के साथ अवैध संबंध थे पड़ोस में ही। ये पैसे से मजदूरी करता है, तो अक्सर घर से बाहर रहता था। आज भी ये सुबह घर से बाहर गया हुआ था, और इसके दो बच्चे हैं जो कोचिंग पढ़ने चले। वो महिला, इसकी पत्नी उस समय घर पे अकेली थी। उसी समय इसका प्रेमी आया हुआ था इसके घर पे मिलने हुए, और ये इसको इस बात की भनक लग गई, तो ये घर वापस आया, और जब दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, तो इसने महिला की गर्दन काट दी और प्रेमी पे भी वार किया, जो घायल हो गया है उसको बदेरू स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इसके बाद इसने पत्नी की कटी हुई गर्दन ली और सीधे थाने पहुंच गया। थाने ले जाके बता भी रहा है बेबाकी से कि मैं उसने किस तरह घटना को अंजाम दिया, क्या किया है। और इसके बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है कि कितनी दूरता की हदें पार करके और अपनी पत्नी की गर्दन काटने के बाद जो शख्स लेके जा सकता है, तो आसपास के लोग भी काफी भय में हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभय, ये जो फुटेज हम देख रहे हैं, ये किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी है। क्रूर पति ने अपनी पत्नी की गर्दन काट दी, और देखिए कटा हुआ सिर लेके थाने जा पहुंचा है। धन्यवाद अभय। पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की गर्दन काट दी है। गर्दन काटने के बाद थाने पहुंचा है एक शख्स अपनी पत्नी को, और वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये देखिए, अपनी पत्नी की गर्दन काटने के बाद अवैध संबंधों के चक्कर में ये व्यक्ति पहुंचा है थाने। अभय निगम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभय, पूरी बात क्या है? जी आपको बता दें, ये मामला अभी थोड़ी देर पहले का ही है। ये शख्स जो गर्दन लेके थाने पहुंचा है, इसकी पत्नी की किसी के साथ अवैध संबंध थे पड़ोस में ही। ये पैसे से मजदूरी करता है, तो अक्सर घर से बाहर रहता था। आज भी ये सुबह घर से बाहर गया हुआ था, और इसके दो बच्चे हैं जो कोचिंग पढ़ने चले। वो महिला, इसकी पत्नी उस समय घर पे अकेली थी। उसी समय इसका प्रेमी आया हुआ था इसके घर पे मिलने हुए, और ये इसको इस बात की भनक लग गई, तो ये घर वापस आया, और जब दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, तो इसने महिला की गर्दन काट दी और प्रेमी पे भी वार किया, जो घायल हो गया है उसको बदेरू स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इसके बाद इसने पत्नी की कटी हुई गर्दन ली और सीधे थाने पहुंच गया। थाने ले जाके बता भी रहा है बेबाकी से कि मैं उसने किस तरह घटना को अंजाम दिया, क्या किया है। और इसके बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है कि कितनी दूरता की हदें पार करके और अपनी पत्नी की गर्दन काटने के बाद जो शख्स लेके जा सकता है, तो आसपास के लोग भी काफी भय में हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभय, ये जो फुटेज हम देख रहे हैं, ये किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी है। क्रूर पति ने अपनी पत्नी की गर्दन काट दी, और देखिए कटा हुआ सिर लेके थाने जा पहुंचा है। धन्यवाद अभय।